अच्छा एला, ये देखो बेचारा आया खाना खाने के लिए। Hey guys, welcome back to my channel. And I hope आपको टाइटल से पता ही चल गया होगा कि ये डे टू है हमारा प्री वेड शूट का। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा यार जब अप्रैल में है तो प्री वेडिंग अप्रैल से क्यों, तो उसका रीजन ये है कि मैं वहाँ रहती हूँ, ये भाई साहब यहाँ रहते हैं, तो वापस आना और ये सारी चीज़ें करना इज़ नॉट पॉसिबल। अभी आई हूँ इसलिए हो जा रही है सारी चीज़ें। और ये सेकेंड डे भी नहीं है, दिस इज़ लाइक कुछ दिन का गैप के बाद, बिकॉज हमारे साथ एक बहुत पूरा वाकया हो गया था, मतलब एक इंसिडेंट हो गया था जिसकी वजह से हम सबका मूड स्पॉइल हो गया था, इसलिए हमने उसको नेक्स्ट डे नहीं रखा है। तो ये कुछ दिन बाद वाली चीज़ है, कुछ दिन मतलब थोड़े दिन, दो तीन दिन बाद वाला, ठीक है। और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं इनकी गाड़ी का आ जाए, फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से। सुबह सुबह क्या ही मेरी हालत ख़राब हो जाती है पता नहीं क्यों, और मैं, मेरी तबीयत अभी भी उतनी मतलब सॉर्टेड नहीं है, मतलब अच्छी वाली नहीं है। हाय आशु, आज हमारे साथ स्पॉट दादा, मेकअप दादा, सब कुछ यही है, क्योंकि हमारे जो स्पॉट दादा थे और जो मेकअप दादा थे वो दोनों नहीं आए हैं आज, तो आज ये आई हुई है, यही देखने वाली है सारा कुछ। और आई फील आज ये ज़्यादा टाइम का शूट भी नहीं है, 3 से 4 घंटे का शूट है, उसके बाद पूरा दिन अपना है, हम लोग घूमने उमने वाले हैं, तो लेट्स सी कैसा जाता है दिन, मतलब कार में कैसा जाता है, मतलब अभी तो अच्छा नहीं जा रहा है, पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा है अभी पूरा दिन। हम शायद क्या ही करेंगे, मैं कैसे रहने वाली हूँ मेरे को नहीं पता, पूरा दिन किधर 7:30, हाँ मतलब 3 से 4 घंटे ही झेलना है मेरे को, उसके बाद मैं ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि फिर हम लोग कार से उतर जाएंगे और बाइक पे घूमेंगे, कुछ कुछ काम करने हैं, मतलब कुछ कुछ क्या, कुछ काम कर लिए थे इन्होंने, वापस करवाना है वो काम, तो उसके लिए भी जाएंगे, तो जाएंगे तो देखते हैं कैसा होगा। और आज सिर्फ और सिर्फ वो चलते चलते वाला शूट है, रुकने वाला कुछ है नहीं एज सच, 2 दिन का प्लान था, बट ये भाई साहब ने मतलब जो भी इनके हैं इन्होंने 3 दिन का कर दिया है, बिकॉज हमारा फर्स्ट डे कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिसकी वजह से शूट कंप्लीट नहीं हो पाया था, और आपने देखा है मैंने एंड उधर कर दिया था, बट उसके बाद हम लोग एक सीन और करने वाले थे, बट उसके पहले ही कुछ कुछ चीज़ें हो गई जो शायद मैं इनको पूछूंगी, अभी वो बताएंगे आपको, देखना बहुत अच्छे रिएक्शन में बताने वाले। हमारा DDLJ का शूट होने वाला था, कैंसिल हो गया, सरसों के खेत में मस्त एकदम, वो हैट वैट हमने सब कुछ, हाँ वही सब लाया था, लेकिन वो कैंसिल, क्या ही बोलेंगे, ख़राब हो गया, अब क्या कर सकते हैं उसमें। चलो मैं बहुत बड़बड़ करने लग जाती हूँ यार, कैमरा ऑन हो जाता है तो, अभी तक मैं शांत बैठी हुई थी, अभी बड़बड़ करने लग गई। किसने बोला शांत, जो बैठी शांत तो बैठी थी भाई, देख रहे हो इनके झूठ, शांत और ये शांत बैठी हुई थी, ठीक है अभी वेट कर रहे हैं, क्या कर रहे, कब आएंगे, क्या करेंगे, ये आदमी को कुछ समझ नहीं आता है, मेरे को इतना टाइम, हाथ खसारी भाई ऐसी नहीं रहेगा।
खड़े हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से खड़े हो सकते हैं। खड़े नहीं हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। आज इतना ऐसे कुछ ज्यादा ही देख रहे हो कितना कवर किया गया है आज वाले में ज्यादा आर्ट्स का नहीं है, मतलब पूरे टाइम का नहीं है, स्ट्रगल पढ़ाओ जय माता दी। तो इस वजह से हमने मतलब ज्यादा लोग भी नहीं आज, तो हमारे सतीश भी आने ज्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया। चलो गाइस जाओ भाई अपना काम करो, तैयार होने दो, बाय बाय गाइस। डे टू खत्म हो गया यहीं पर, अभी हम लोग पाँच गिरा हुआ है इधर ही ख़त्म कर रहे हैं। तो हमारा आउटडोर वाला मोस्टली हो चुका है, अभी एक और लास्ट बचा है जो कि होने वाला है आई बिलीव दो दिन के बाद में, ठीक है। तो यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं, यहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम लोग? यहाँ से जा रहे हैं देखने। हाँ इनके लिए खुशी तो देख लो कितनी है, कितनी खुशी है चेहरे पे। एक में एक ऑलरेडी इनको हो चुका है ड्रेस, लेकिन उनको दोबारा से वापस से ट्रायल मारना है, तो हम लोग अभी वहाँ पे जाएंगे और ऑब्वियसली आपको लेके जाने वाले। एक हो चुका है ना आपका, वो एंगेजमेंट का ड्रेस हुआ है, अब ये ड्रेस वो है जो आप गिफ्ट करोगे। जो भी है पसंद तो मेरी थी, पहले मेरे को बोला वो वाली। हाँ तो अभी हम लोग जा रहे हैं और आपको तो लेके ही साथ में चलेंगे, इधर का हो गया खत्म। सतीश भैया और उनका टीम निकल जाएगा अभी। ये देखो हमारे फोटोग्राफर से मिलवा दो, फोटोग्राफर जी हेलो बोल दो ये और सिर्फ सतीश भी आए हुए थे, सिर्फ ये दोनों, इन्होंने फोटोज लिए हैं और वीडियोस लिए हैं। आज का शूट आपको आया है क्या? तो अभी इधर का तो हो गया, अभी एक दिन का बचा है, रियली होप कि अच्छा जाए। और अभी हम लोग जा रहे हैं ये छुटकी के साथ थोड़ा सा फोटो वोटो निकाले, क्योंकि हम लोगों को लेट भी हो रहा है और जाना भी है। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। ये इस आदमी ने मेरी बहन को खाना नहीं खिलाया, भूखे पेट सुबह से घुमा। अरे जीजू हम खा लेंगे ना। नहीं ये ठीक है, चलो अब कितना समय लगेगा, 10 मिनट लगेंगे। देखो कैमरा ऑन हुआ है तो फिर ये खाना खा लो करने लग गए। दूर रहने का फायदा इस कि आप कभी भी अपने इनके घर पे जाके लंच वंच कर सकते हो। पास में रहते तो कौन बुलाता है ना, दूर है इसके लिए। तभी हम लोग जा रहे हैं गुप्ता जी के घर। गुप्ता जी के घर अम्मा जी ने माता श्री ने बुलाया है लंच खाने पे। माता श्री ने बुलाया है, माता श्री बुलाया है आपने? इनको बीमार हो गए ये। कुछ बीमार बीमार नहीं हो, मेरे को थोड़ा सा स्किन का एलर्जी हो गया है, तो ये मेरे को जबरदस्ती डॉक्टर के पास लेके जा रहा है। मना करो इनको, मेरे को नहीं जाना। ओ कौन मना करेगा, मैं आपको बोल रही हूँ मेरे को नहीं जाना है, वो ठीक हो क्योंकि वो ठीक हो जाएगा। वो बम्स जैसे आ गए मेरे को पूरे बैक पे और शोल्डर पे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर जी के पास, देखते हैं डॉक्टर जी कौन सी ऐसी जड़ी बूटी देते हैं, है ना। ये देखो हमारा घर, मतलब होने वाला होगा क्या खाना है पकड़ो आग। किसको उड़ना पड़ेगा उड़ लो। ये देखो हमको गिफ्ट मिला है इनकी सासू माँ की तरफ से, मतलब उन्होंने बोला भाई गरीब के जैसे क्यों ठंड में घूमती हो दो ना? थोड़ा कवर बवर करके घुमा करो, ठंड नहीं लगेगी। क्या हमारी माता जी ऐसे बोलेंगे आपको? अरे यार वो मेरा बोलने का स्टाइल है, उन्होंने
खाना हो गया था, लंच आपके यहाँ पे हो गया है ना? मैंने बताया नहीं, लंच अच्छा था लेकिन मैंने किया नहीं बराबर से, क्योंकि मेरा मन नहीं था। आपका हमेशा मन नहीं रहता खाना लेने का? हमेशा मन नहीं रहता, ऐसा नहीं है, थोड़ा खाया मैंने अपने हिसाब से खाया, लंच वंच हो गया, फिर हम लोग डॉक्टर के यहाँ पर आए, अभी डॉक्टर के यहाँ से वापस आपके आ जाएंगे। हाँ, क्योंकि मेरा कुछ कुछ सामान भी था वो इन्होंने लेने नहीं दिया, बिकॉज हम लोग वापस से जाने वाले। क्यों जाने वाले? आपको मैं थोड़ी देर में छोड़ूंगा, आधे घंटे का काम करके आऊंगा। मतलब खुद की फैसिलिटी है इनकी, इनको कुछ कुछ काम वाम करना है इसलिए मेरे को वहीं पे छोड़ देंगे। मम्मी बुला लो, मम्मी को पास बुला, दर्शन नहीं नहीं वो ऑफिशियली वाली चीजें नहीं करने का। एक प्लेट इडली सांभर फ्राइज रहेगा आपका, ठीक है, इडली फ्राइज एक प्लेट, एक प्लेट रहेगा नॉर्मल, ठीक है, बट विदाउट अनियन। ऐसा ऑर्डर देना पड़ता है। मैं बोल रही थी पहले ये बताओ कि आपने बड़ा टाइम वेस्ट क्यों किया है आज? किस चीज़? जो हम पसंद करने के लिए गए थे, आप क्यों, आपने क्यों नहीं लिया? जो अपने को पसंद आ गया था फिर भी आपने नहीं लिया, क्यों मेरा टाइम वेस्ट? क्योंकि वो था क्या आपका सूट देखा हमने। गाइस देखो, इनके ना चोचले बहुत ज़्यादा है, इनफैक्ट लड़कियों से बहुत ज़्यादा चोचले हैं। इनके घर वालों ने भी अप्रूवल दे दिया था कि ले लो भाई, अच्छे लग रहे, वो बहुत कॉमन लगा मुझे कलर, मतलब वैसा चेक। इनको चाहिए था पूरे बनारस में वैसा कलर कोई नहीं पहने, इनको वैसा वाला। तो वो मैंने खुद देख चुका हूँ उस टाइप का पैटर्न को पहनते हैं कई सारे लोगों को, तो मुझे लगा कि भाई बनाए कॉमन आ रहा है, आपसे शेयर किए थे। हाँ भाई वाली ये नहीं तो बोले हाँ मैंने बोला लड़कों वाली भाई आ रही है, मैं कॉमन भाई। जब नीचे गया तो नीचे क्या बोले? अगर आप ले लेते तो मैं नहीं बोलती। अभी तक ऑफिशियल इंट्रोडक्शन कराया नहीं और पूरा बनारस घुमा रहा हूँ। वो मैं बाद में करूँगा, मैंने आपको बोला जो जब हम दोनों वीडियो करेंगे तब। ये अभी कौन कर रहा है? अरे ये तो वीडियो का पार्ट है। अच्छा, ये बाद में जाएगा, वो पहले आएगा जो बाद में करेंगे। सबको पता चल चुका है कि क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं है, पता चल चुका है। आपको स्पेशल फील करवाना है, आपको चाहिए मैं स्पेशल फील करवाऊंगा? ऐसा कुछ नहीं, हम ऑलरेडी स्पेशल हैं। ज्यादा हो गया, ऐसे कौन खासता है। कल एक्चुअली थोड़ा सा लेट हो गया था वापस आने के लिए, इस वजह से मैं एंड करना भी भूल गई और ट्राईपॉड भी भूल गई हूँ घर पे, तो मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ भूल गई हूँ। हाँ एनीवेज, अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा डांस प्रैक्टिस करने के लिए, उसके बाद कहीं कहीं हम लोगों को जाना है आज, कुछ तो फंक्शन है वहाँ जाना है, तो वहाँ जाएंगे आज। ऐसा सच कुछ है नहीं कि मैं आज ब्लॉग करूँ, तो इसके लिए अगर आपको कल का व्लॉग अच्छा लगा हो, मतलब जो आज के कंटिन्यूशन में है, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलना, सो दैट आपको न्यू अपडेट मेरे व्लॉग्स की आती रहेगी। और क्या, बस मास्क पहनो और खुश रहो। आई शिल सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।